हेलो गाइस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। TCS का अब तक का सफ़र बहुत रोमांचक रहा। इस बारे में TCS के CEO और MD रह चुके S. रामदौराय ने अपनी किताब द TCS स्टोरी एंड बियॉन्ड में बताया है। इस वीडियो में हम TCS को लेकर लिखी गई इस किताब के बारे में बात करेंगे। 1960 के दशक में TCS की नींव रखी गई थी, जब GRD टाटा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि टाटा ग्रुप को डाटा प्रोसेसिंग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तब दुनिया की अलग अलग कंपनियां इस पर काम करना शुरू कर चुकी थी। GRD टाटा ने तुरंत विचार किया और प्रस्ताव पास कर दिया गया। ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने इसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्लान को अमल में लाना। 1968 तक नाम फाइनल हो चुका था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फकीर चंद कोहली यानी कि FC कोहली को इसका इंचार्ज बना दिया गया था। MIT से निकलकर कोहली अब तक टाटा इलेक्ट्रिक में सर्विसेज दे रहे थे। कोहली को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि TCS को अपने पैरों पर खड़ा करना है। खास बात यह है कि किताब में कोहली को एक तानाशाह करार दिया गया है। अगले साल TCS में रामदौराय की एंट्री हुई। तब रामदौराय ने यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई खत्म की थी और कुछ टाइम के लिए अमेरिका के नेशनल कैश रजिस्ट्रार में काम किया था। रामदौराय वहां से $12,000 की नौकरी छोड़कर आए थे और TCS में उनका 1,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी और प्रोग्रामर की जिम्मेदारी दी गई थी। रामदौराय ने किताब में लिखा, उन्होंने अमेरिका छोड़कर भारत में आने का फैसला किया और ये फैसला उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी महालक्ष्मी की शर्त के कारण लिया था। इसके साथ ही तमिल ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाला रामदौराय कोहली के मार्गदर्शन में कंप्यूटर में क्रांति लाने के राह पर चल पड़ा। TCS को शुरुआती काम टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों से ही मिला। ऑर्डर कम पड़े तो कंपनी ने ईरान की तरफ मुंह कर लिया, जहां टाटा ग्रुप ने पावर स्टेशन के लिए अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके बाद एक मौका ऐसा आया जब कंपनी के कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया। 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया। इससे देश में विदेशी उपकरणों को इंपोर्ट करने के लिए एक लिमिट तय हो गई। साथ ही देश में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जॉइंट वेंचर में 40% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख पाएगी। इसके बाद IBM को इंडिया से थोड़ा पीछे हटना पड़ा और TCS को तेज़ी से उड़ान भरने का मौका मिल गया। ये TCS के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि अब तक इंडियन प्रोग्रामर्स IBM मेनफ्रेम्स पर ही काम कर रहे थे। अब टाटा ने तेजी से अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए बोरो से करार किया गया, जो उस समय माइक्रो प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सबसे आगे चलने वाली कंपनी थी। यहीं से भारत की ग्रेट इंडियन आउटसोर्सिंग स्टोरी शुरू हुई। TCS ने अपने लोगों को अमेरिका भेजा ताकि वो सीख पाएं कि भारत में IBM के क्लाइंट्स को TCS पर कैसे शिफ्ट किया जाए। 90 के दशक में TCS दुनिया में जाना पहचाना नाम हो गया। कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपर्ट हो गई थी। सितंबर 1996 में रामदौराय कंपनी का CEO बना दिया गया। 2002 में TCS देश की पहली $1 बिलियन की सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। 2010 में TCS 25 करोड़ की कंपनी बन गई। उसके बाद 50,000 करोड़ का आंकड़ा इसने साल 2013 और 7,500 करोड़ 2014 में पार कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी TCS के बारे में कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।